से निकल चुके हैं फाइनली यार। बाघ कोरे बाघ उग नहीं आ जाएगा जंगल में। तो गाइस बहुत भयानक जंगल था ये, तब देखे 360 डिग्री पे पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ है गाइस। हे फैमिली वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रसून। तो दोस्तों ये ब्लॉग बहुत ही खास बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम दिखाने वाले अपने पूरा प्री बेबी की जर्नी, मतलब प्री बेबी सूट की जर्नी। तो बस हमारे साथ जो हमारे फोटोग्राफर हैं जो दिल्ली से चल कर आया है मिस्टर योगेश, और बहुत क्रिएटिव है ये। तो चलिए गाइस अभी बस कार हमारी रेडी है, पहले हम देख सकते हैं करेंगे बराड़ा में। हाँ, पहले तो अभी कुछ कुछ वो लोकेशन है, पहले तो हम लोग बराड़ा में शूट करेंगे फिर वहाँ चलेंगे। तो आप लोग बने रहे इसी और खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिएगा गाइस। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर। हमारा लोकेशन फर्स्ट है और यहाँ पे अभी शूट करेंगे हम लोग। बाकी निशा है मेरे साथ, आ जाओ। तो ये काफ़ी घना जंगल है तो जंगल में जा रहे हैं। निशा कह रही है तो भाई डर भी लग रहा है मुझे, तो खूबसूरत है आगे जाके। और इसी लोकेशन पर हमारा पहला शूट होने वाला। क्या हो गया भाई साहब? बाघ कोरे बाघ उग नहीं आ जाएगा, बाघ यहाँ मिलेगा तुमको, लेकिन बहुत खतरनाक है हैं? तो बच के रहना फिर। क्या को देखिए पूरा, वाह भाई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है। लेकिन भाई थोड़ा और मज़ा आता, कोई साथ में होता, कोई नहीं है, बट चलो कोई नहीं, लेट्स एंजॉय है ना बाबू। जिंदगी ऐसी कटेगी, बस हम दोनों साथ रहेंगे। बाकी यहाँ का देखिए नज़ारा, काम चल रहा है, काम ऑन प्रोसेस। भाई साहब ने एंगल पूरा सेट कर लिया है गाइस। इस तरह से फिर इस जंगल में हमारा शूट स्टार्ट हो गया है और अभी हमें आगे चलते चलते जाना है, वहां पर हमारा मेन लोकेशन आएगा। तो गाइस अब फाइनली पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और अब बताइए महाराज करना क्या है, आप बताइए हमें गाइड। हथौड़ा ले लेते हैं पहले, आप चल रहे हो हाथ पकड़ के बोले लेते हैं। तो गाइस इस लोकेशन पे हमें बहुत कम ही शूट करना है, बाकी चलते हैं। ये यहाँ पे जो हमारा लोकेशन वन था और यहाँ पर इस लोकेशन पे तो पूरा अच्छे से शूट हो चुका है। बाकी गाइज मच्छर, ओ माय गॉड, जो मच्छर काट रहे थे ना भाई बता नहीं सकते हैं, अल्टीमेट भयानक भयानक मच्छर। रुके हुए थे आपको तब भी काट रहे थे, मैं भाग रहा था, ये भाग रहे थे तो भी काट रहे थे। योगेश भाई कह रहे कि आप लोग तो रुके हुए थे, मैं तो भाग रहा था तब भी मुझे काट रहे थे। यानी मच्छर को एक्चुअली ये यहाँ पे आके शूट करके जा चुके हैं इस लोकेशन पे, तो इसीलिए मच्छर इनको जानते थे। नहीं आप भी तो कितना मूव कर रहे थे, आपके सर पे ऐसे बैठे हुए थे यार। कोई बात नहीं, तब तो वीडियो में लेते हैं इनको, कास्ट कर लेते हैं मच्छरों को भी। चलो कोई नहीं, ये मच्छर भी यादगार रहेंगे। चलते हैं, जंगल में मच्छर काटने। तो गाइस बहुत भयानक जंगल था ये, लेकिन अब जा रहे हैं हम लोग हिली एरिया जो हमारे पास से पड़ता है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग बता दीजिए जैसे को? आदि बद्री जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट लोकेशन है वो आदि बद्री और वो एक हिल स्टेशन है, तो हम सोच रहे कि वहाँ जाके, छोटा मोटा हाँ हिली एरिया है, सॉरी हिल स्टेशन कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है, तो वहाँ चलते हैं अब हम लोग। राकेश भी हेलो कर दीजिए सभी को। हेलो, तो बहुत मस्त आदमी ये भी। से निकल चुके हैं फाइनली आदि बद्री के लिए और रास्ते में बताऊँ तो क्या बताऊँ गाइस, मंजिल से पहुँचने के पहले कहते हैं ना कि रास्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो अभी मैं कुछ आपको व्यू दिखा रहा हूँ रास्तों की। तब आशीष कैसा लगा समोसे? ठीक है, चटने का था इसलिए उतना मजा नहीं आया क्योंकि कार में है चटनी, अभी हम लोग खा नहीं सकते। अभी हम लोगों ने हल्का फुल्का स्नैक्स लिया और वो भी कार में ही खाए। राशिद भी बैठा है, निशा भी है, आगे हमारे राकेश भैया और योगेश भाई हैं। बाकी बताओ तो आप गाइस, पहाड़ दिखने लगा है तो सुपर डुपर एक्साइटेड है हम लोग बहुत ज़्यादा, है ना बाबू? तो पहाड़ दिख रहा है, कैरी पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ आशीष इतना लंबा हो गया। ये पहाड़ अब दिखने लगा है बाहर और फाइनली पहुंचने वाले हैं कुछ देर में अपने डेस्टिनेशन पे और वहीं पे होगी हमारी आगे की शूट। बाकी गाइस जो सफ़र का मज़ा है ना, कितने खूबसूरत व्यू है, और कैमरे पे तो उतनी क्लियर नहीं आ पा रही होगी बट फिर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों एंजॉय कर रही हो? ये हम दूसरी बार आ रहे हैं यहाँ पे, एक बार मैं निशा और सचिन भाई, अर्ली मॉर्निंग और प्रकाश भी था है ना, अचानक से हम लोग चले आते घूमने के लिए यहाँ पे। तो गाइज ये रहा हमारा लोकेशन टू और लोकेशन टू में हम पहुँच चुके आदि बद्री और चारों तरफ देखे 360 डिग्री पे पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ है गाइज।
और अभी यहाँ पे निशा को करना ड्रेस चेंज। मैंने तो ड्रेस चेंज कर लिया है, तो बाकी अभी निशा ड्रेस चेंज करेगी और उसके बाद से यहाँ पे होने वाला हमारा पार्ट टू सूट। चेंज हो चुका है, रेड वाला गाउन पहन लिए और ये भाई साहब पूरा अभी लोकेशन चेक कर रहे हैं। क्या हमारे अस्त्र तैयार है? आपके अस्त्र तैयार है? इनके अस्त्र शस्त्र तैयार है, तो बस इनके ज़रा मैं रखवा दूँ सामान। और ये कार वहीं टचअप करिए महारानी। चलो भाई चलना नहीं है क्या? ये देखो बाल में ये क्या है गाइस, ये देखो क्या है, देखो सो सिंपल। मैं तो भाई एज यूजुअल लड़कों का कुछ नहीं है, मैं यही गंजी खोल मतलब शर्ट खोला यहीं डाल लिया भाई साहब, हो गया। ये भाई साहब आधे घंटे से चल रहा है, 4 बज गए हैं और गाइस अभी हमें यहाँ से 2 लोकेशन और जाना है, तो जल्दी जल्दी करें। हाँ नीचे बताया कि पार्क है वो वाला, मेरा फ़ोन कहाँ है? अभी हो गए रेडी और अब हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे शूट होने वाला है। ये आदि बद्री के ठीक नीचे देख सकते हो, पूरा 360 डिग्री पे पूरा पार है, पूरा दिखा दो एकदम पूरा 360 डिग्री में। बाकी हमारे कैमरामैन रेडी है, निशा भी रेडी है, तो चलिए चलते हैं। ये है पार्क और ये म्यूजियम एक्चुअली, और ये गवर्नमेंट म्यूजियम है गाइस, अलाउड नहीं है बट थोड़ी देर के लिए चलो हो सकता है जो भी, तो चलते हैं हम। अभी इस चेयर पे ले। हाँ। हाँ। इसी चेयर पे ज़्यादा बेटर रहेगा ना। हाँ। कोई बात नहीं है, अच्छा है। ब्लर हो गया तो हॉट कराता हूं। हां और वो फिर कभी लेकर आओ, पहले यहां पे वॉक की दिक्कत करेंगे, कैसे लोगे आप बताओ? पहले बैठ के लेते हैं, उस पे कितना नहीं लगोगे? कितना गया था वो बाप मॉम का मॉम से दोपहर में इंतजार कर इस पर बैठो। अच्छा मैंने ये लिख बेंच पे बैठे बस बैठ नहीं, मैंने आगे सोच रखा होगा कुछ माइंड में बीच में बैठना, इसको हटा के ऐसे ठीक है। आप इनकी तरफ देख रहे हो, वो हर्ट वाला ले लो बेटा, हर्ट वाला क्या? आपको नहीं देखना ना, डूब की तरफ नहीं देखना। एक काम करना, आप एक दूसरे की तरफ देख रहे हो प्यार से, हर्ट हर्ट ले लो कोई ना, सही लगेगा। इनको पकड़ा दो बेटा, ये भी सही है। मूवमेंट करते रहनी है तभी सही है। गाइज एक तो हम लोग को एक्टिंग नहीं आ रही थी और बहुत ऊपर से एक्शन एक्शन किए जा रहे थे, तो समझ भी नहीं आ रहा था और हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि निशा मुझे देख के बार बार हंस रही थी। हंसी भी इसलिए आ रही थी कि आशीष कहीं फ्रेम में ना आ जाए, इसलिए वो पूरा 360 डिग्री में पूरा पीछे पीछे घूम रहा था योगेश भाई का, तो इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी यहाँ पे मोमेंट है भाई दांत मत दिखाइए आप ना कुछ मत करियो, बस देखना करो आप स्माइल के साथ, रेडी देखो हाँ। तो गैया भी आई है अपना सूट करवाने के लिए, हार्ट भी दे रहा हूँ ऐसे। चलो खड़ी हो, खड़ी हो आओ, देखे दो क्या बोल रहा है। वो पीछे राइट हो रहा है ना पहाड़, बोलिए कुछ बोलना चाहती हैं? खाने पीने की व्यवस्था करो, घास है इतना, घास खाएंगे ऐसा फेस नहीं बनाइए, फोटो नहीं खिंचा रहा है, दिखाइए जरा अपना मेकअप उतरते हुए थोड़ा थोड़ा, मेकअप खराब हो गया है, मेकअप धूप में साथ छोड़ते हुए देखा दे रहा है साथ। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, देखो देखो रुको ये कर रहा है, छोड़ दो चीज आ जाए अंदर,
कहाँ गए वो, प्रॉपर मिल ही नहीं रहा। ये वाला करेंगे बेबी, अंदर मैं रखूँगा फिर इसको हटाने वाला। अब ऐसा ऐसे आऊँगा मैं, फिर ये चीज़ क्या है ये देखो, ऐसे बैठी रहेगी उदास, ऐसे बैठी रहेगी। पहले इनको पहले आपने ले, मैं साइड से बलून फुला फुला के छोड़ू। मैं साइड से बलून फुला के छोड़ता हूँ, ठीक है साइड से। हाँ मैं जब छोड़ लूँगा तब देखता हूँ, मैं भी ठीक है। ये अभी पंकज भैया प्रेग्नेंट होते हुए कुछ कहना चाहेंगे, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट हो गए इतिहास में पहली बार, ऐसा कुछ हुआ है? इतिहास में पहली बार नहीं हुआ, ये सब करना पड़ता है ऑडियंस के लिए, हंसाने के लिए। यहाँ गिटार तो पकड़ लिया हूँ पर कसम से बजाने नहीं आता है। दिखाओ भाई, म्यूजिशियन बन गए तुम्हारे भाई। इसको फेंक देते हैं ना वैसे। सर जी यहाँ पर ना पता रहो, टेडी बेयर करो, सब कुछ यहाँ पर सेटअप करो, उसके बाद बच्चा बैठे यहाँ पर क्या। नहीं नहीं इसको भी ये करना है, रुक जा भाई साइड में, साइड इधर आ जा, तुम इधर आ जा, मेरे को तुम कुंडली पे बैठा मैं सुनाऊंगा तुमको गाना। लगा वो भी लेकर आ, हाथ इधर लगा दो, वो बेबी बॉय बेबी गर्ल सब लगा दो। पीछे गड्ढा तो आप रिव्यू दीजिए गाना, कैसा लगा आपको? कैमरा उठा रहा था। हाँ कैमरा उठा रहा था। ये देना पहनाने वाला ले लेना।